राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस प्रचार माटे अमदावाद में जोड़ाया छे, ज्यां अमदावाद एरपोर्ट पर पायलटे भाजप पर आंकड़ा प्रहारों कर्या हता। राहुल ज्यारथी गुजरात में प्रचार कर रह्यो छे त्यारथी भाजप डरी रह्यो छे। गुजरात में केटलाक समाजों शोषण थयुं छे अने आगामी चूंटणी में भाजपनो पराजय थशे, कांग्रेसनो विजय थशे। अमदावाद बाद सचिन पायलटे राजकोट में जाहिर सभा ने संबोधन करशे। बोल चुके हैं कि इस प्रकार की उनको पहले से आशंका थी, किसी के निजी प्राइवेट लाइफ में हम लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी दिखाता है कि भाजपा कितनी डेस्परेट है। अगर अपनी कामयाबियों पर, अपने काम पर उनको विश्वास होता तो लोगों का चरित्र हनन करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही शायद नहीं की जाती। और इसके बारे में हार्दिक पटेल ने खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक स्वच्छ राजनीति का परिचय भाजपा नहीं दे रही है। मुद्दों पर लड़ें, सिद्धांत पर लड़ें, अपने परफॉर्मेंस पर लड़ें, लेकिन दूसरों लोगों पर टारगेट करके जिस तरह काम बीजेपी कर रही है उसका उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जब से चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कैंपेन किया है, तब से भाजपा पूरी घबराई हुई है। राहुल गांधी जी के हर स्टेटमेंट का, हर कॉमेंट का मुकाबला करने के लिए एक दर्जन केंद्र के नेता आके उनकी बात को रखते हैं। और गुजरात में आज जो माहौल बना है, पिछले कई चुनावों में लगातार बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन इस बार गुजरात की जनता मन बना चुकी है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना है और कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देना है।